स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु अब आने वाला है अक्षरा के घर पर। यहाँ वो अक्षु का हाथ मांगने आएगा, लेकिन घर वालों को फिर से गलत फहमी होने वाली है कि अभिमन्यु अक्षु नहीं बल्कि आरोही से प्यार करता है। वेल, शो का आने वाला ट्रैक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब होने वाली है इनकी सगाई, लेकिन दोनों ही परिवार, इन तीनों की जिंदगियां अभी भी आपस में उलझी हुई है। जहां अभिमन्यु करता है अक्षरा से प्यार, लेकिन ऐसे में सबको ये गलत फहमी होती है कि अभिमन्यु आरोही को पसंद करता है। जब अक्षु को भी ये बात पता चलती है, उसे जब ये गलत फहमी होती है तो वो भी थोड़ा सा परेशान होती है ये सब जानकर। लेकिन आप देखेंगे कि अब होगी इनकी सगाई, अभिमन्यु का परिवार आएगा अक्षरा के घर पर, अक्षु खुद अपनी बहन को तैयार करेगी। हालांकि उसे भी कहीं ना कहीं बुरा लग ही रहा होगा, क्योंकि वो भी अभिमन्यु को पसंद करती है। लेकिन अक्षु और आरोही दोनों जब एक साथ सीढ़ियों से उतर कर आएंगी तो अभिमन्यु को लगेगा कि अक्षु तैयार होकर आ गई है, लेकिन यहाँ हर कोई तैयारी कर चुका है आरोही और अभिमन्यु की सगाई की। आप सभी देखने वाले हैं कि अभिमन्यु के सामने अक्षु और आरोही दोनों ही आकर खड़ी हो जाएंगी। जब अभिमन्यु अक्षु का हाथ पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन तभी आरोही उसके सामने आ जाएगी और अपना हाथ आगे बढ़ा देगी और तभी सबकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। जब अभिमन्यु देखेगा कि उसकी सगाई की बात अक्षु से नहीं बल्कि आरोही से हुई है, तो यहाँ वो सभी के सामने ये बात कह देगा कि वो आरोही से नहीं बल्कि अक्षरा से प्यार करता है, और सबकी गलतफहमी अब दूर होती हुई नजर आने वाली है। लेकिन इस ड्रामे के बाद अब क्या होगा? क्या अभिमन्यु को उसका प्यार मिल पाएगा? शो में अब क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आएगा? जानने के लिए देखते रहिए स्टार प्लस पर ये रिश्ता क्या कहलाता है।